जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती पर। मैं हूं सूरज चौधरी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आया हूं, जो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी क्लास के बच्चे के लिए हो जो साइंस पढ़ रहा हो। ये नहीं कि अगर वो बायो का है स्पेशली तो केवल बायो वाले के लिए, कोई भी स्टूडेंट है तो उसको मालूम होना चाहिए कि नर्वस सिस्टम क्या है और ये कैसे वर्क करता है। जब आपको प्यास लगती है तो इसमें आपके ब्रेन का क्या रोल होता है, जब आपको भूख लगती है तो आपके ब्रेन का क्या काम होता है, जब आपको गुस्सा आता है तो आपके ब्रेन का क्या काम होता है, जब आप किसी गर्म चीज़ को छू लेते हैं, किसी हॉट ऑब्जेक्ट को आप टच कर लेते हैं तो आप तुरंत उसको क्यों छोड़ देते हैं। इन सभी सवालों का मैं जवाब दूंगा इस वीडियो में। बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक और देखते रहिए एजुकेटेड श्रावस्ती, और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, आप सभी के लिए नर्वस सिस्टम के बारे में बताएंगे। नर्वस सिस्टम क्या होता है? बेसिकली नर्वस सिस्टम जो ह्यूमन बॉडी की हम बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा हो जाता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें दो चीज़ें बेसिकली आती हैं, जिसमें आपका ब्रेन आ जाता है और आपका स्पाइनल कार्ड आ जाता है। ठीक, तो हम आज बात करेंगे ब्रेन के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्रेन जो है वो है क्या, ब्रेन आपका ये ब्रेन होता है ये कैसे प्रोटेक्टेड होता है और किस तरीके से वर्क करता है। तो ये हमारा जो ब्रेन है ये एक हार्ड बोनी स्कल से कवर्ड है। ये जो हमारा खोपड़ी है इसको हम लोग स्कल बोलते हैं, और ये हार्ड बोनी स्कल से जो कवर्ड होता है इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में क्रेनियम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और क्रेनियम के नीचे क्या होता है, इसके नीचे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड भरा होता है। वो क्या करता है, वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट देता है और हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन देता रहता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं ब्रेन के बारे में। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ब्रेन क्या होता है। ठीक, ब्रेन जो है ये हार्ड बोनी केज जिसका नाम है स्कल और साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको क्रेनियम कहते हैं, उससे ये कवर्ड होता है। ठीक दोस्तों, आप लोगों को इससे पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जब आपको कुछ खाना होता है तो आपको टेस्ट कैसे पता चलता है। हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। 5 सेंस ऑर्गन में हमारा आई है, नोज है, ईयर है, और हमारी स्किन होती है, हमारा टंग होता है। हम किसी चीज़ को खाते हैं तो हमें स्वाद का पता चलता है हमारे टंग के द्वारा। हमारे टंग में क्या होता है, टेस्ट बड होते हैं। टेस्ट बड का क्या काम होता है, वो हमको टेस्ट के बारे में पता चलता है उससे कि टेस्ट कैसा है, मीठा है या हम तीखा खा रहे हैं या फिर कड़वा खा रहे हैं। ठीक है, या फिर हम कोई खट्टा पदार्थ खा रहे हैं। तो इसका पता कैसे चलता है, हमारे जीभ में जो टंग में हमारे टेस्ट बड होते हैं उनसे पता चलता है। अगर आप लोग अपने नाक को बंद कर दें और कुछ खाएं तो उससे क्या पता चलेगा, आपको टेस्ट का कंफर्म पता नहीं चलेगा कि टेस्ट कैसा था। अगर दो चीज़ आप खा रहे हैं और आपकी नोज़ जो है वो बंद होती है, जिसमें ऑल्फैक्टरी नर्व होता है, ये नर्व ऑल्फैक्टरी नर्व हमारे ब्रेन तक मैसेज लेकर के जाता है। और ये क्या करता है, अगर आप अपने नोज़ को बंद करके कुछ खाएंगे तो उससे आपको कन्फर्म पता नहीं चलेगा कि कैसा स्वाद है। ठीक है, तो हमें इसलिए कभी कभी क्या होता है, कहीं पे जाते हैं तो बहुत सारे स्मेल आते हैं तो हमको तुरंत पता चल जाता है कि स्मेल कैसा है। ठीक है, तो ये हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं ये सेंसरी नर्व से हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है उसको सेंस करते हैं और हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुँचाते हैं। फिर ब्रेन हमारा क्या कर देता है, ब्रेन हमारा रिले न्यूरॉन के द्वारा कनेक्ट होकर के हमारे मोटार न्यूरॉन को मैसेज देता है कि यार ऐसा काम करिए, और हम अपने बॉडी में ऐसी मूवमेंट करते हैं उसी तरीके से हम लोग उसी के प्रकार उसी के अगेंस्ट जो है जैसा हमारा ब्रेन मैसेज देता है वैसा हम काम करते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं ब्रेन के बारे में बताएंगे। बहुत ही छोटे टॉपिक में मैं आपको ब्रेन समझा दूंगा और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ब्रेन जो है हमारा, ब्रेन इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। ब्रेन क्या है, हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी है। जो कुछ भी हम सोचते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी हमें करना होता है, जो कुछ भी हमको याद रहता है, जो कुछ भी हम कहीं जा रहे हैं हमको याद कैसे रहता है कि हमें कहाँ जाना है, तो ये सब कैसे कंट्रोल होता है, ये सब हमारे ब्रेन से कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ब्रेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, ब्रेन को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 में आता है आपका फोर ब्रेन, और नंबर 2 में आता है आपका मिड ब्रेन, और नंबर 3 पे आता है आपका हिंड ब्रेन।
फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन कहा गया है, मतलब अगले हिस्से को फोर ब्रेन कहते हैं। फोर ब्रेन मतलब अगला हिस्सा, और मिड ब्रेन मतलब मिडिल वाला हिस्सा, और हिंड ब्रेन का मतलब पिछला वाला हिस्सा। ठीक है, तो अब हम बताते हैं, यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आपका फोर ब्रेन किधर होता है, और मिड ब्रेन किधर होता है, और आपका हिंड ब्रेन किधर होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो है हार्ड बोनी केज है, ये वाला पोर्शन जो है ये हार्ड बोनी केज होता है। ये क्या कहलाता है, इसको हम लोग हिंदी में जनरली खोपड़ी बोल देते हैं, और वैसे कॉमन लैंग्वेज में स्कल बोला जाता है, और इसको हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में क्रेनियम बोलते हैं। ठीक है, क्रेनियम जो होता है ये हार्ड बोनी स्कल होता है, हार्ड बोनी केज होता है, जिसमें हमारा ब्रेन जो है ये प्रोटेक्टेड होता है, जिसके अंदर हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है। जैसे कि हमारा ये जो रिब केज है, ये हमारे लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अगर रिब केज ना हो, मान लो रिब केज आपकी डैमेज हो जाए, तो क्या होगा, आपके लंग्स में इंजरी आ जाएगी और आपके हार्ट में भी इंजरी आ जाएगी। ठीक वैसे ही हमारा जो ब्रेन होता है वो एक हार्ड बोनी स्कल से कवर्ड होता है, जिसको हम लोग क्रेनियम कहते हैं। उसके अंदर आपका क्या है, ये आपका ब्रेन उसके अंदर है। ठीक, अब ब्रेन में हमने बताया कि फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, और हिंड ब्रेन होता है। तो फोर ब्रेन में कौन कौन से पार्ट आते हैं, फोर ब्रेन में आपका आएगा सेरिब्रम। ठीक है, फोर ब्रेन में आपका आएगा सेरिब्रम, और फिर फोर ब्रेन में आपका क्या आएगा, थैलमस। थैलमस जो होता है बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है, वो आपका फोर ब्रेन में आएगा, और इसमें क्या चीज आएगी, इसमें आपका हाइपोथैलमस आएगा। ठीक, हाइपोथैलमस आएगा आपका फोर सेरिब्रम में, सॉरी फोर ब्रेन में तीन चीजें आती हैं, फर्स्ट इज सेरिब्रम, सेकंड वन इज थैलमस, एंड थर्ड वन इज हाइपोथैलमस। ठीक है, अब आपको फोर ब्रेन के बारे में पता चल गया कि फोर ब्रेन में क्या क्या चीजें आती हैं। फोर ब्रेन में आएगा आपका सेरिब्रम और थैलमस और हाइपोथैलमस। होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी हमारे ब्रेन में पाई जाती है, जो जिसका काम होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का काम ही होता है वो हार्मोन्स को सिक्रेट करने का काम करेगी। ठीक है, हाइपोथैलमस जो होता है वो इसको कंट्रोल करता है कि कितना हार्मोन्स कौन सा ग्लैंड सिक्रेट करेगा, उसको ये सब करता है। और फिर ये जो होती है, ये मेड्यूला होता है, मेड्यूला है, पोन्स हैं, और सेरिबेलम है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, सेरिब्रम और सेरिबेलम। सेरिबेलम और पोन्स और मेड्यूला, ये हमारा किस में आएंगे, ये हमारे हिंड ब्रेन में आएंगे। ठीक है, अब ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दो चीज़ें साथ में पढ़ी जाती हैं, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं। तो ब्रेन में क्या चीज़ें हैं, फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, और हिंड ब्रेन है। हिंड ब्रेन में क्या क्या आया, मेडुला आया, पोन्स आया, और सेरिबेलम आया। ठीक, अब स्पाइनल कार्ड जो होता है, यहाँ पे स्पाइनल कार्ड जो है नीचे आ जाता है, और फिर यहाँ मेडुला ऑब्लॉन्गाटा के थ्रू कनेक्ट होकर के हमारे बॉडी के नीचे चला जाता है। जो स्पाइनल कार्ड जो होता है वो हमारे रिब केज के अंदर प्रोटेक्टेड होता है। जो हमारा रिब केज होता है, जिसको हम लोग रीढ़ की हड्डी हिंदी में बोलते हैं, उसके अंदर हमारा स्पाइनल कार्ड जो होता है, मेरुरज जिसको कहा जाता है, वो उसी के अंदर प्रोटेक्टेड होता है, जो कि ये नर्व से मिलकर के बना होता है। ठीक, इतनी चीज़ें आपके ब्रेन के बारे में थी। ये फिगर मैंने बनाया था छोटा सा, जिसको आपको समझाने के लिए। ठीक, अब हम बात करते हैं कि जो सेरिब्रम होता है वो क्या होता है और वो कैसे काम करता है। तो जो सेरिब्रम हमारा होता है, ये लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अवर ब्रेन। ये क्या करता है, ये मेन थिंकिंग का काम यही करता है। हम लोग क्या सोच रहे हैं, क्या करना है, कहाँ जाना है, हमें लिखना है या पढ़ना है या कहीं जाना है। ठीक है, तो इसको हम लोग मेन थिंकिंग पार्ट हमारा क्या है, मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन इज सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या है, मेन थिंकिंग पार्ट है ब्रेन का। अब इसके बाद ये क्या करता है, ये हमारे वॉलेंट्री फंक्शन को, वॉलेंट्री मसल्स को जो है कंट्रोल करने का काम करता है। वॉलेंट्री मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स का मतलब ये होता है, वॉलेंट्री मसल्स ऐसी मसल्स होती हैं जो हमारे अकॉर्डिंग काम करती हूँ, जो हमारे अकॉर्डिंग काम करता है वो वॉलेंट्री मसल्स होता है, और जो जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता है वो हमेशा काम करता रहता है। जिससे हमारे बॉडी का जो इंटरनल ऑर्गन होता है, जैसे हमारा लंग्स है, हमारा हार्ट है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सब जो है इनवॉलेंट्री मसल्स में आते हैं। लेकिन वॉलेंट्री मसल्स में हमारे हाथ की मसल्स आ गए, ठीक है, हमारे हाथ के मसल्स आ गए, हमारे पैर के मसल्स आ गए, ये सब जो हैं, ये सब वॉलेंट्री मसल्स हैं। इनको कौन कंट्रोल करने का काम करता है, सेरिब्रम करने का काम करता है। हमें कहीं जाना है तो ये किसके द्वारा कंट्रोल किया गया, सेरिब्रम के द्वारा कंट्रोल किया गया। हमारा मन करेगा तभी तो जाएंगे, जब सेरिब्रम फंक्शन करेगा, हम बताएगा कि हमको यहाँ जाना है, तो हम मूव करेंगे। कैसे मूव करेंगे, अपने पैर के थ्रू मूव करेंगे। तो क्या है, वॉलेंट्री मसल्स को कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा है। अब सेरिब्रम कैसे बना होता है, सेरिब्रम जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है। सेरिब्रम बीच से डिवाइड होता है दो पार्ट में,
दो पार्ट में सीधा ऐसे ऐसे डिवाइड होता है, ठीक। सेरिब्रम हमारा दो पार्ट में सीधा ऐसे डिवाइड होता है, एक पार्ट को हम लोग लेफ्ट साइड बोलते हैं, तो दूसरे पार्ट को हम लोग राइट हेमिस्फीयर बोलते हैं, और इधर राइट, इधर हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर और हमारा राइट हेमिस्फीयर। सेरिब्रम, सेरिब्रम जो है हमारा दो हाल्व में डिवाइड होता है, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर और दूसरा राइट हेमिस्फीयर। अब जो हेमिस्फीयर होता है वो किसके द्वारा कनेक्ट होता है, वो हमारा कार्पस कैलोसम के द्वारा कनेक्ट होता है। जो हमारा ये सेरिब्रम है दो पार्ट में डिवाइड है, दो हाल में डिवाइड है, नंबर एक लेफ्ट हेमिस्फीयर सेरिब्रल हेमिस्फीयर जिसको बोला जाता है, और दूसरा राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब ये किसके द्वारा कनेक्ट है, ये कार्पस कैलोसम के द्वारा कनेक्ट है, ठीक। अब कार्पस कैलोसम के द्वारा कनेक्ट है, लेकिन ये काम क्या करते हैं, अब कार्पस कैलोसम के द्वारा कनेक्ट है तो ये क्या बनाते हैं, सेरिब्रल कार्टेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। सेरिब्रल कार्टेक्स किसका बना होता है, जैसे ये मान लो आपका लेफ्ट हो गया, ये राइट हेमिस्फीयर हो गया, और ये जो सेल्स होती है यहाँ पे, इसको दोनों को हम लोग बोल देते हैं कार्पस कैलोसम, ठीक। अब जो सेरिब्रल कार्टेक्स होता है ये किसका बना होता है, ये नर्व्स का बना होता है। सेरिब्रल कार्टेक्स जो होता है ये नर्व्स का बना होता है, ये अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन इसमें होता है। जो अपर पोर्शन होता है वो हमारा ग्रे मैटर से मिलकर के बना होता है, और जो लोअर पोर्शन होता है वो हमारा व्हाइट मैटर से मिलकर के बना होता है, ठीक। तो हमारा जो सेरिब्रम होता है वो दो हाल में डिवाइड होता है, नंबर एक लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, नंबर दो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब इस किसके द्वारा कनेक्ट होता है, कार्पस कैलोसम के द्वारा कनेक्ट होता है। अब ये सेरिब्रल कार्टेक्स क्या है, जो हमारी नर्वस सेल्स होती हैं, जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं वो कार्पस सेरिब्रल कार्टेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। इनमें दो चीजें पाई जाती हैं, ग्रे मैटर, अपर पोर्शन हमारा जो होता है, हमारे सेरिब्रम का अपर पोर्शन जो होता है वो ग्रे मैटर से मिलकर के बना होता है, और जो लोअर पोर्शन होता है वो व्हाइट मैटर से मिलकर के बना होता है, ठीक। इतना हम आपको सेरिब्रम के बारे में बताएं। अब दूसरा चीज ये है कि जो हमारा थैलमस होता है, सेरिब्रम के बाद हमारा थैलमस भी किसमें आया, हमारा फोर ब्रेन में आ गया। यहाँ पे मैंने बता दिया है कि सेरिब्रम और हमारा थैलमस और हाइपोथैलमस किसमें आते हैं, फोर ब्रेन में आते हैं। अब जो थैलमस है ये क्या है, ये जो होता है ये ग्रे मैटर से मिलकर के बना होता है। थैलमस जो है हमारा ये ग्रे मैटर से मिलकर के बना होता है, और ये कैसे शेप का होता है, ये एकदम एग शेप के होता है। देखो ये थैलमस जो है ये एकदम एग शेप का है, थैलमस का स्ट्रक्चर कैसा है, एग शेप का है, और ये किससे मिलकर के बना है, ये हमारा ग्रे मैटर से मिलकर के बना है। लेकिन जो हमारा सेरिब्रम था इसका अपर पोर्शन ग्रे मैटर का था और लोअर पोर्शन व्हाइट मैटर का था, लेकिन जो हमारा थैलमस है ये पूरी तरीके से ग्रे मैटर से मिलकर के बना है, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये एग शेप का स्ट्रक्चर होता है। अब इसका थैलमस का क्या काम है हमारे ब्रेन में, थैलमस का काम ये है कि ये हमको कहीं पे गर्मी है, कोई चीज़ हॉट है या कहीं गर्मी लग रही है, तो उसका हमें कौन महसूस करवाता है, उसको कौन आइडेंटिफाई करता है, थैलमस करता है। कोई चीज़ ठंडा है या हमको ठंडी लग रही है, ठीक है, तो वो कैसे हमें पता चलता है, हमारे थैलमस के द्वारा पता चलता है। हमें दर्द हो रहा है तो ये कैसे द्वारा पता चलेगा, हमारे थैलमस के द्वारा पता चलेगा, ठीक है। अब एक चीज और आती है इसमें, हाइपोथैलमस। अब हाइपोथैलमस का क्या काम होता है, हाइपोथैलमस जो होता है वो बहुत ही अच्छा काम करता है, हमारे बॉडी के इमोशंस को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक। हम किसी चीज को सोच रहे होते हैं और फिर रोने लगते हैं, ठीक, किसी चीज को सोचा और बहुत तेजी से हंसने लगे, ठीक। तो ये सारी चीजें किससे कंट्रोल होती है, इमोशंस को कंट्रोल करने का काम करता है हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस का फंक्शन है इमोशन को कंट्रोल करने का काम, ठीक है। और ये सेंसेस ऑफ फुलनेस, जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमें कौन बताता है कि आपका पेट भर गया है या पेट आपका खाली है, ये हमको हाइपोथैलेमस बताता है, ठीक। इसका मेन काम ये होता है कि हमारे बॉडी में वाटर का लेवल मेंटेन करने का काम है, इमोशन को कंट्रोल करने का काम है, और सबसे मेन चीज़ है इट कीप आवर बॉडी इन ए स्टेबल स्टेट। ये हमारी बॉडी को एक स्टेबल स्टेज में रखता है जिसको हम लोग होम्योस्टेटिस बोलते हैं, ठीक। होम्योस्टेटिस क्या है, होम्योस्टेटिस में एक हाइपोथैलमस वर्क करता है, इसका फंक्शन यही है कि इट कीप आवर बॉडी इन ए स्टेबल स्टेट। ये हमारी बॉडी को स्टेबल स्टेज में रखता है जिसको हम लोग होम्योस्टेटिस बोलते हैं, ठीक। अब ये हमको भूख लगी है बहुत तेज, हंगर, हमको भूख लगी है बहुत तेज, तो हमको कैसे पता चलेगा, हमारा हाइपोथैलमस मैसेज देगा हमारे ब्रेन को, फिर हमें मालूम चलेगा कि हमको भूख लगी है। और फिर हमको प्यास लगती है तो कैसे पता चलता है, हमको हाइपोथैलमस बताता है कि हमको प्यास लगी है। हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर कौन कंट्रोल करेगा, हाइपोथैलमस। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कौन मेंटेन करने का काम करेगा, हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस को एक चीज़ और कहा जाता है, इसको
कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है इंडोक्राइन ग्लैंड और नर्वस सिस्टम का। हाइपोथैलेमस को इंडोक्राइन ग्लैंड और नर्वस सिस्टम का कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। अब मेन बात आती है कि ये इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है। इंडोक्राइन ग्लैंड जो है हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि व्हाट इज द इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हाउ मेनी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। इन ह्यूमन बॉडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स आल्सो प्रेजेंट। इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड में अलग अलग ग्लैंड्स का अलग अलग फंक्शन होता है। अलग अलग ग्लैंड से अलग अलग हार्मोन्स जो है सिक्रीट किए जाते हैं। अब हार्मोन सिक्रीशन ऑफ द इंडोक्राइन ग्लैंड। हाइपोथैलेमस फंक्शन क्या करता है, ये हार्मोन के सिक्रीशन का भी काम करता है। कितना हार्मोन्स कहाँ से निकलेगा, इंडोक्राइन ग्लैंड का मेन फंक्शन ये होता है कि वो हार्मोन्स को सिक्रीट करने का काम करती हैं। ठीक, तो हाइपोथैलेमस का फंक्शन है ये इमोशन को कंट्रोल करेगा, हमारे बॉडी में वाटर को मेंटेन करने का काम करेगा। जब हम भूख लगेगी तो वो बताएगा कि आपका पेट खाली है या आप खाना खा रहे हैं तो पेट भर गया है। बीपी को मेंटेन करेगा, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेगा और प्यास लगी है या भूख लगी है ये सब कौन बताएगा, ये सब हाइपोथैलेमस बताएगा। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा मिड ब्रेन होता है उसका क्या काम होता है। मैंने अभी पिछले वाले पार्ट में बात किया था कि जो हमारा फोर ब्रेन होता है उसमें क्या क्या बताया था मैंने, सेरिब्रम पाया जाता है, हाइपोथैलेमस पाया जाता है और थैलेमस पाया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा मिड ब्रेन होता है वो क्या करता है और उसका क्या काम होता है। मिड ब्रेन में कोई पार्ट नहीं पाया जाता है, इसको हम लोग मीजन सेफेलान बोलते हैं। ठीक, अभी कहाँ होता है, ये हमारा बिटवीन फोर एंड हिंड ब्रेन, ये हमारे फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में पाया जाता है, इसलिए इसको मिड ब्रेन कहा जाता है। ठीक, इसको मीजन सेफेलान कहा जाता है, इसका कोई पार्ट नहीं होता है। लेकिन ये मेड अप ऑफ फोर बॉडी, ये फोर बॉडी से मिलकर के बना होता है जिसको हम लोग कारपोरा क्वाड्रीजेमिना कहते हैं। फोर बॉडी से मिलकर के बना होता है जिसको हम लोग कारपोरा क्वाड्रीजेमिना कहते हैं। अपर टू बॉडी क्या कहते हैं, अपर टू बॉडी को हम लोग कैप्टम बोलते हैं। जो ये हमारा मिड ब्रेन है ये फोर बॉडी से मिलकर के बना है जिसको अपर टू बॉडी क्या हो जाएंगी, कैप्टम हो जाएंगी, जो हमें देखने के लिए हेल्प करती हैं। ठीक, जब हम देखते हैं किसी चीज़ को, फिर हम मान लो किसी पिक्चर को देख रहे हैं या कोई फोटो देख रहे हैं, बुक में पढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं तो, लेकिन हमारे ब्रेन तक मैसेज भेज जाता है ये क्या लिखा है। ठीक है, तो ये हमारा मिड ब्रेन काम करता है, इसको ये कौन करता है, टेक्टम करता है। जो अपर टू बॉडी होती हैं वो टेक्टम होती हैं और ये क्या करती हैं, देखने में हेल्प करती हैं। जो कुछ भी हमको दिखाई देता है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे लिखा है कि देखने में, तो ये क्या कर, कौन हेल्प कर रहा है, ये टेक्टम हेल्प कर रहा है। और जो लोअर टू बॉडी होती है उसको हम लोग टेगमेंटम कहते हैं। लोअर टू बॉडी इज नोन एज टेगमेंटम और इसका क्या काम होता है, ये सुनने में हेल्प करता है। मेरे वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, कुछ स्मार्ट बोर्ड कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है, व्हाइट बोर्ड पे आप देख करके समझ रहे हैं क्या लिखा हुआ है। इसका काम है टेक्टम का काम है। टेक्टम कहाँ पाया जाता है, ये मिड ब्रेन में पाया जाता है। और जो लोअर टू बॉडी होती है उसको टेगमेंटम बोलते हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं या आप बोलते हैं, कोई दूसरा सुनता है तो कैसे पता चलता है कि वो क्या बोल रहे हैं, वो टेगमेंटम फंक्शन करता है, टेगमेंटम का काम होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, मिड ब्रेन में पाया जाता है, क्योंकि मिड ब्रेन हमारा जो होता है वो फोर बॉडी से मिलकर बना होता है जिसको कारपोरा क्वाड्रीजेमिना कहते हैं। अपर टू बॉडी जो होती है वो टेक्टम कहलाती है और लोअर टू बॉडी जो होती है वो टेगमेंटम कहलाती है। अब हम बात करते हैं हमारे हिंड ब्रेन के बारे में। ठीक, जो हमारा हिंड ब्रेन होता है, ये हिंड ब्रेन इधर होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमारा ये सेरिब्रम जो है ये हमारा हिंड ब्रेन में आता है, और जो हमारा पोन्स है वो भी हिंड ब्रेन में आता है, और जो हमारा मेड्यूला है वो भी हमारा हिंड ब्रेन में आता है। ठीक, तो ये सेरिबेलम होता है, इसमें उसमें सेरिब्रम होता है, इसमें सेरिबेलम होता है। अब ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अवर ब्रेन होता है, जो हमारा सेरिबेलम होता है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अवर ब्रेन होता है। किसका बना होता है, ये ग्रे मैटर का बना होता है। ठीक, हमारा जो सेरिब्रम था वो हमारा सेरिब्रम था, दो हेमिस्फीयर में डिवाइड हो गया था, वो दो चीज़ों से मिलकर बना था, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। हाँ, मेन चीज़ ये है कि जो हमारा सेरिब्रम होता है, लेफ्ट वाला हमारे राइट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है और जो राइट वाला होता है हमारे लेफ्ट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करने का काम करता है सेरिब्रम। लेकिन हम यहाँ पे सेरिबेलम पढ़ रहे हैं, ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अवर ब्रेन होता है, ये ग्रे मैटर से मिलकर के बना होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें थी हिंड ब्रेन में, इसमें सेरिब्रम था, पोन्स था और मेडुला था। तो जो सेरिब्रम है उसका क्या काम है, सेरिब्रम हमारा सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अवर ब्रेन है और ये ग्रे मैटर से मिलकर के बना होता है। जो हमारा पोन्स होता है इसको हम लोग मीटेन सिफेलान बोलते हैं। हमारे पोन्स को क्या बोलते हैं, मीटेन सिफेलान बोलते हैं। ये हमारे रेस्पिरेटरी प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करता है। मेन काम हिंड ब्रेन का क्या है, ये हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करने का काम करता है। इसका काम क्या है, पोन्स का, पोन्स को मीटेन सिफेलान कहा जाता है। ये कंट्रोल, इट कंट्रोल अवर रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस
एंड मेडुला क्या है, मेडुला ऑब्लॉन्गाटा भी बोला जाता है, मेडुला भी बोला जाता है। ये हमारे इन्वॉलेंट्री प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करेगा, जैसे इसके लिए इसको मेसेनचेफेलॉन बोलते हैं। इन्वॉलेंट्री प्रोसेस मीन्स जैसे हम लोगों को छींकना हुआ या हम लोगों को कभी स्नीजिंग हो गई या खांसी आने लगी, ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को कौन कंट्रोल करेगा, हमारी इन्वॉलेंट्री प्रोसेस को कौन कंट्रोल करेगा, मेडुला कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है और जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है उसका क्या फंक्शन होता है। थैंक यू।